टाटा मोटर्स ने सफारी को लॉन्च करने के बाद में हैरियर और नेक्सॉन को अपडेटेड किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और उसको शायद हो सकता है आठ से भी ज़्यादा महीने हो चुके हैं। तब से लेके आज तक वो लोग अपनी तीनों एसयूवीज़ के कहीं ना कहीं वेरिएंट्स या फिर एडिशन निकालते रहेंगे और निकालते रहते हैं, अभी तक निकल रहे हैं, और कोई ना कोई एडिशन आपको देखने को मिलता है हर दो महीने के अंदर। लेकिन अभी फाइनली आपके तरफ आ रहे हैं न्यू हैरियर और उसके अलावा न्यू नेक्सॉन, जो कि हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखा है। नेक्सॉन का तो CNG भी आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानना है तो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हैरियर जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाली है तो फिर आपको उसके लिए क्यों रुकना चाहिए, उसकी बात करने वाले। इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर आपको चार ऐसे रीजंस या फिर चार ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिन पॉइंट्स के चलते या फिर जिन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप ये सोच सकते हो कि मुझे नई हैरियर के लिए रुकना है या फिर अभी वाली हैरियर के लिए जाना है। तो ये आपके लिए भी बाइंग डिसीजन के ऊपर करता है, रिलाय करता है कि आपको कौन सा, आप कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हो कि इस वीडियो की मदद से। तो एंड तक ज़रूर देखना, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट रीज़न से शुरुआत करेंगे कि हमारा फर्स्ट रीज़न क्या है, तो वो है मोर फीचर्स। अब मोर फीचर्स से हमारा मतलब है कि टाटा मोटर्स की बात की जाए तो वो लोग पिछले 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। और जब हैरियर फर्स्ट जनरेशन के साथ में लॉन्च हुई थी, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब हैरियर लॉन्च हुई थी, तब उसके अंदर फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जब फेसलिफ्ट आया और उसके अलावा उन लोगों ने जितने भी अपडेट्स किए हैरियर के अंदर, उसके बावजूद मतलब आप अगर हैरियर को अभी की डेट पर अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छी खासी कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर सकती है। कंपटीशन के अंदर ये अच्छी खासी कॉम्पीट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो इस वजह से आप सोच सकते हो कि टाटा मोटर्स ने 2 साल के अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप बोल सकते हो कि टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं बैक करती है और लैग करती है, क्योंकि मार्केट के अंदर ह्युंडई किया जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी है। अभी महिंद्रा भी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो टाटा मोटर्स को भी इसके बारे में सोचना है। और जो हैरियर फेसलिफ्ट आने वाली है उसके साथ में आपको एडास वगैरह भी देखने को मिलने वाला है, और ये 100% ट्रू है और ये फीचर आने ही वाला है नई वाली हैरियर और सफारी दोनों के साथ में। तो इस वजह से आप सोच सकते हो कि कई सारे एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के फीचर्स टाटा मोटर्स भी प्रोवाइड करने वाला है अपनी हैरियर सफारी दोनों के ही अंदर, और सबसे पहले इसके लिए वो लोग हैरियर फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाले। तो इसी वजह से हमने आपको बोला कि फर्स्ट रीज़न हो सकता है आपके लिए हैरियर के लिए रुकने के लिए, क्योंकि सिर्फ एडास नहीं है, और भी ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिनके लिए आप ऐसा लगेगा कि अभी वाली हैरियर के मुकाबले फेसलिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हो गए, तो इसी वजह से हम आपको भी बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस। अब हैरियर की बात की जाए तो इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग जो वेरिएंट है, अगर आपको पता होगा तो आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गाड़ी XT, XT प्लस, XZA वगैरह वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं, और वो लोग वो भी वेरिएंट जो है वो टॉप एंड के तीन या फिर चार टॉप एंड के वेरिएंट है। तो इस वजह से आप सोच सकते हो कि गाड़ी के वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, और जो फेसलिफ्ट आएगी उसके साथ में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। हालांकि उस ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से पब्लिक या फिर जो भी कंज्यूमर्स होंगे उनको कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो इसकी मदद से आपको जो मिलेगा बेनिफिट वो होगा कि आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी के ऑप्शंस के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे हैरियर फेसलिफ्ट के साथ में, जो अभी आपको लिमिटेड मिल रहे हैं। और अभी अगर आपको ऐसा है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए वैल्यू फॉर मनी वगैरह, मेरा बजट कोई लिमिट नहीं है मेरे बजट की और मैं अभी वाली हैरियर का ये वेरियंट लेना चाहता हूँ, तो फिर आपका पैसा है आप लगाना चाहते हो, तो फिर उसमें कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन उसके ऊपर अभी कोई डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि कई लोग बजट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करते रहते हैं कि मेरा बजट इतना है तो मुझे क्यों जाना चाहिए इस गाड़ी के ऊपर और क्यों छोड़ देना चाहिए वो वाली गाड़ी को। तो ये काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है गाड़ी के लिए रुकने का, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बजट टाइट लेके चल रहे होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है पेट्रोल इंजन। अब हैरियर डीजल के साथ में बिकती है और इसके ड्राइविंग डायनामिक्स इतने अच्छे हैं कि डीजल के साथ में आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वगैरह जो है वो लैग आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, लेकिन ड्राइविंग एंथुसियास्ट के अलावा जो भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर या फिर बात करें कंज्यूमर्स के अंदर,
उन लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको हैरियर पेट्रोल के साथ में पसंद आती होगी, या फिर एक्चुअली 700 में भी कई लोग पेट्रोल को लेते हैं। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि मार्केट के अंदर अभी कई सारे लोग पेट्रोल के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट तो खैर उन लोगों की, कई लोगों की, दिल्ली वालों की तो मजबूरी है कि भैया हमें पेट्रोल चाहिए, अगर गाड़ी 10 साल से ज़्यादा 10 साल मिनिमम रखनी है तो पेट्रोल ही लेनी पड़ेगी। तो ये सारी मजबूरी भी कई लोगों की होती है। तो इस वजह से अभी फाइनली आपको हैरियर के अंदर भी पेट्रोल मिलने वाला है। जो फेसलिफ्ट आएगी उसके साथ में आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो 2 लीटर के पेट्रोल होते हैं वो ऑब्वियसली टर्बो ही होता है, और जो हैरियर फेसलिफ्ट है उसके साथ में भी आपको 2 लीटर का इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि हैरियर और सफारी दोनों के ही साथ में आएगा। और 6 फीट का मैनुअल और 6 फीट का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ में देखने को मिलने वाला है, हैरियर और सफारी दोनों। लेकिन सबसे पहले आपको हैरियर के अंदर वो चीज़ देखने को मिलने वाली है, इसीलिए अगर आप हैरियर को प्लान कर रहे हो और पेट्रोल की और अगर आपके कोई भी 1% भी आपको ऐसा था कि मुझे पेट्रोल गाड़ी चाहिए और फिर आपने हैरियर के लिए उसको छोड़ दिया, तो फिर आपको शायद हो सकता है कि रुकना चाहिए, क्योंकि हैरियर खुद अभी पेट्रोल में आने वाली है और फाइनली टाटा मोटर्स उसको लॉन्च करने वाला है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इम्प्रूवमेंट्स। अब इम्प्रूवमेंट्स ऐसा एरिया है जहाँ पे टाटा मोटर्स ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है एज़ कम्पेयर टू दी महिंद्रा। अगर इंडियन ब्रांड्स की बात की जाए तो महिंद्रा मोटर्स की आफ्टर सेल सर्विस अभी भी उतनी भी अप टू द मार्क नहीं है। अगर आप कस्टमर्स के मुंह से सुनोगे तो आपको सब कुछ वो समझ में आएगा कि क्या कुछ सीनारियोज रहते हैं, लेकिन वो हालांकि हर सिटीज़ के ऊपर या फिर हर स्टेट में वेरीज करता है, क्योंकि डीलरशिप के ऊपर भी वो काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन टाटा मोटर्स की बात की जाए तो वो लोग अपने कंज्यूमर्स के जो भी रिव्यूज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब जैसे एग्जांपल में बात करें तो हैरियर जब लॉन्च हुई थी तब लोगों ने बोला था कि इसके अंदर एडवांस फीचर्स नहीं है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लैग करती है। उस और तो और उन लोगों ने अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से भी कुछ बताया था इंटीरियर के अंदर कि वो उनका लेफ्ट जो लेग है, अगर मैनुअल लेते हैं तो लेफ्ट लेग के अंदर जो उनका जो भी नी है वो टच होता है गाड़ी के एक पार्ट के अंदर, और वो गाड़ी का पार्ट हार्ड था, इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और ये सेंटेंस को मार्क करते हुए टाटा मोटर्स ने फेसलिफ्ट के अंदर वो जो पार्ट था जो जहाँ पे लोगों की नी टच हो रही थी उसको थोड़ा सा और ज़्यादा वर्टिकल या फिर और ज़्यादा रिक्लाइन कर दिया था, जिस वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फेसलिफ्ट के साथ में लोगों को नहीं हो रही है मैनुअल के साथ में। तो ये गौर करने वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए नए वाले प्रोडक्ट को अपडेट दे रहे हैं। मतलब अभी लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि फीचर्स ज़्यादा नहीं है, और तो और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह है उसके अंदर ज़्यादा एरर्स आ रही है, लैग कर रही है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर 110% टाटा मोटर्स ध्यान देगी और उसको इम्प्रूव करना चाहेगी नई वाली हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर, या फिर वो सफारी क्यों ना हो या फिर नेक्सॉन ही क्यों ना हो, हर एक प्रोडक्ट के अंदर वो लोग ऐसे इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे। और इसी वजह से ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हैरियर टाटा का कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसके बाद का जो अपडेट या फिर फेसलिफ्टेड वेरिएंट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ में वो आता है। तो ये 4 चीज़ें थी, आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।